गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए प्रोडक्ट के साथ। मेरे पास है ये गार्नियर नेचुरल का कलर, जो मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रही हूँ अपने हेयर्स पे, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ रिव्यू करना चाहिए। तो बात करती हूँ इसकी, तो ये अमोनिया फ्री है गार्नियर का कलर, एंड इसमें दिया गया है कि 100% ग्रे कवरेज देता है, साथ ही साथ 10 वीक्स तक चलता है ये। और इसका जो शेड है वो है 3.16 बर्गंडी कलर। सो इसके साथ आपको चार चीजें मिल जाती हैं। इसके साथ आपको मिलता है कलर, डेवलपर एंड ग्लव्स, तो जिससे आपको यूज करने में आसानी होगी। यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए ग्लव्स हैं, ये कंडीशनर है जो आफ्टर कलर जब आप हेयर वॉश करोगे तो ये कंडीशनर आपको अप्लाई करना होगा। और साथ ही साथ इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपको एलर्जी वगैरह है तो आप पहले इसको चेक कर सकते हैं। आपको चेक करने का मेथड ये है कि आप कलर और डेवलपर दोनों को मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ कान के पीछे अपने लगा लेना है 24 घंटे पहले। अगर आपको किसी तरह का इरिटेशन, खुजली, दाने वगैरह हो जाते हैं तो आप ये कलर बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। ये देखिए, ये इस तरीके का है, ये कलर है, क्रीम हेयर कलरेंट लिखा हुआ है इसमें। सेकंड आपका है ये डेवलपर, जो हम इसमें मिक्स करके अप्लाई करते हैं अपने हेयर्स पे, ये देखिए। और ये है, तो इसमें ये देखिए दो कंडीशनर दिए गए हैं। ये कलर केयर कंडीशनर है, यानी कि अगर आप अपने हेयर वॉश करते हो उसके बाद आप ये कंडीशनर लगाते हो, तो मतलब ये कंडीशनर का कलर का केयर करते हैं, जिससे आपके कलर जल्दी नहीं जाते। और ये मिल जाते हैं दो ग्लव्स, ये डिस्पोजल ग्लव्स हैं, एक बार यूज करके आपको इन्हें फेंक देना होता है। और ये मिल जाती है, इसमें दिए होते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस, आप इसे इजीली रीड कर सकते हैं, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो अब मैं मेरे पूरे हेयर्स पे अप्लाई करूंगी। लास्ट टाइम मैंने लोरियल का किया था, लोरियल तो मैं हमेशा ही अप्लाई करती हूँ, तो उसको मैंने सिर्फ टचअप किया था, क्योंकि ये बर्गंडी कलर है तो मुझे मेरे पूरे हेयर्स पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फिर कलर अलग अलग दिखेगा। इसलिए आज मैं इसे पूरे हेयर्स पे अप्लाई करूंगी, इसलिए मैं इन दोनों को पूरा ही यूज करने वाली हूँ। तो इसमें मैंने डेवलपर और क्रीम निकाल ली है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में निकालना है आपको, जितना आप डेवलपर लोगे उतनी क्रीम लेनी है। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे, ये देखिए, अच्छे से मिक्स करना है दोनों को। जब आप अच्छे से मिक्स करोगे ना तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। उसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पे मैं पहनूंगी ये ग्लव्स। ग्लव्स पहनने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने हेयर लाइंस पे थोड़ी सी वैसलीन या कोई मॉइस्चराइजर यूज कर लीजिए, ताकि आपको अगर कलर लगे कानों के ऊपर तो वो इजिली निकल जाए। थोड़ा सा मैं अपने नोज में, गिर जाता है, लास्ट टाइम मैं अप्लाई कर रही थी तो डायरेक्ट मेरे फेस पे ही गिर गया था, और हाथों पे थोड़ा सा। वैसे तो हम ग्लव्स पहनने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। अब मैं इन्हें अप्लाई करूंगी अपने हेयर्स पे। फुल हेयर पे अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले
बालों के सेक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक सेक्शन में आप अप्लाई करते हो 1 मिनट। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम पहले तो बालों के सेक्शन ले लेंगे अच्छे से कॉम करके, ताकि बाल हमारे सुलझे हुए रहें इस तरीके से। और इस तरीके से हमें दूसरे सेक्शन पे एक एक सेक्शन से अप्लाई करना है। आप चाहें तो ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं या फिर हाथ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पूरे बालों में कलर लग चुका है। तो अभी इसको रखने वाली हूँ मैं 30 मिनट तक कम से कम, उसके बाद हेयर वॉश करूँगी, फिर आपको मैं दिखाती हूँ मेरे हेयर्स का कलर। ये देखिए, ग्लव्स पहनने के बाद भी, इसलिए मैंने बोला था कि वैसलीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, आप मेरे बालों का कलर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपने पूरे बालों पे अप्लाई किया था, तो ये मेरे बालों का कलर है। ये देखिए, इसको यूज करने के बाद एक चीज तो बहुत अच्छी है कि आपके बाल जो है ना, वो बहुत ज्यादा सिल्की और शाइनी दिखने लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने शाइनी दिख रहे हैं। इसका जो कंडीशनर है वो बहुत अच्छा है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, तो काफ़ी शाइनी लग रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं मेरे बाल मुझे। तो कलर भी काफ़ी अच्छा आया है, तो फाइनली गार्नियर मुझे बहुत पसंद आया। एक और चीज़, गार्नियर का जो प्राइस है वो काफ़ी रिजनेबल है, ये 185 रुपीज का है। साथ ही साथ इसको आप रख भी सकते हो, 2024 तक इसकी सेल्फ लाइफ है। हाँ, ये है कि अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपके बाल छोटे हैं, पूरे बालों में आपको लगाना है, तो आप दो बार इजीली यूज़ कर सकते हो इसको। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि रीज़नेबल प्राइस है। बाल जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी शाइन भी है मेरे बालों में। कलर भी बहुत प्यारा आया है। अब ये कितना दिन चलता है पता नहीं, बट मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है और मुझे गार्नियर बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अगर आपको भी गार्नियर यूज़ करना है तो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बोलूँगी कि आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छा शाइनी स्मूथ सिल्की हेयर हो जाते हैं आपके कलर के साथ साथ। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए। बाय बाय।